हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं 360 वे वर्ल्ड। आज ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जहां पे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं ये एक ब्लूटूथ स्पीकर का, जो एक बहुत ही यूनिक ब्लूटूथ स्पीकर है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस पैकेट को पहले ओपन करके रखा हुआ है चेक करने के लिए अंदर सच में कुछ है कि नहीं। तो ये मैंने परचेज किया था tomtop.com से, जो एक चाइनीज वेबसाइट है, और ये 100% सेफ भी है क्योंकि मेरे पास तो प्रोडक्ट आ चुका है। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ इस तरह का आपको पैकेट मिलता है। इसको रखते हैं साइड में। पैकेट के सामने तरफ आपको ब्रांडिंग दिया गया है, साथ में इंग्लिश और चाइनीज में साथ में लिखा गया है स्मार्ट म्यूजिक फ्लावर पॉट, ऊपर प्लेइंग लिखा गया है, नीचे चाइनीज लिखा गया है। और ये कुछ इस तरह का आपको फ्लावर पॉट मिलेगा। यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल नंबर, सॉरी ये चाइनीज में है, चाइनीज मेरे दिमाग में नहीं आता, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। यहाँ पे जो मॉडल नंबर देखिए, K3 लिखा हुआ है, स्पीकर लिखा गया है 50 mm का, और यहाँ पे साइन एंड नॉइज रेशियो लिखा गया है 90 करके कुछ है, और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, ब्लूटूथ डिस्टेंस है 10 मीटर का, बैटरी जो कैपेसिटी है इसके अंदर वो है 1200 mAh का, और वोल्टेज लिखा गया है, और चार्जिंग टाइम यहाँ पे 4 आवर मेंशन किया गया है, और ये जो प्लेइंग टाइम है लिखा गया 12 आवर, और इसका वेट है लगभग 400 ग्राम्स। और यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स है आप देख सकते हैं, बाकी सब कुछ तो चाइनीज़ में और कुछ है नहीं। और इधर इस तरफ लिखा गया है कि रियल प्लांट आप इसमें लगा सकते हो, ब्लूटूथ है, कलरफुल लाइट है, 360 डिग्री साउंड है, लॉन्ग टाइम प्ले है, और बेस भी अच्छा खासा मिल जाता है जैसा मैंने चेक किया है। तो चलिए इसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ पहले इस तरह से ओपन होता है, फिर इस तरह से। तो चलिए, मेरे पास जो है ये पिंक कलर का आया है। तो ये रहा आपका स्पीकर, और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और कुछ क्या मिलता है। ये अंदर एक आपको USB to Micro USB केबल मिलता है, जो इसे चार्ज करने के लिए आप लोग काम में ले सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक मैनुअल दिया गया है, और मैनुअल की सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिला है तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जनरली इंडियंस के दिमाग में घुसता नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंडियन, और पीछे चाइनीज़ भी लिखा गया है, मतलब दो लैंग्वेज में लिखा गया है, ये सही है। तो चलिए मैनुअल और बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये है आपका स्पीकर, ये देखिए, ये जो अंदर स्टिक देख सकते हैं, ये मेटल का, ये जनरली सेंसर है जिसमें आप लाइव प्लांट लगाओगे तो ये सेंसर तब काम आएगा। और ये नीचे जो आप होल देख सकते हो, इसको आप प्लांट को पानी दोगे तो पानी नीचे से निकलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये जो आप स्ट्रैप देख सकते हो, ये LED लाइट है आपका, ये है ब्रांडिंग। नीचे इस तरफ आपको स्पीकर मिलता है, और ये कुछ मतलब स्टैंड करके कुछ है, और ये वो होल था। और आप इसे चार्ज कहाँ से करोगे, ये इसको आपको ऐसे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, नाखून आप रख लीजिए, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हो इसको, जैसा बोला गया है 4 आवर आपको चार्ज करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक पावर बटन दिया गया है, जो दोनों जो बटन है ये मल्टी फंक्शन बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस आप अगर करते हो तो ये पावर ऑन होता है। और ये साइड वाला जो बटन है, साइड वाला बटन आपको LED लाइट के लिए है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपका लाइट जल रहा है, आप सिंगल प्रेस करते हो तो ये कुछ इस कलर का लाइट जलता है, फिर एक बार इसे प्रेस कर लेते हैं, ये आपको पहला जो लाइट था ये स्टेबल लाइट था, ये चेंजेबल लाइट है, आप देखिए कैसा चेंज होता है कलर, ये 3-4 कलर आपको डिस्प्ले करता है। तो इसे आप फिर से बंद करना चाहे तो एक बार प्रेस कर दीजिए, बंद हो गया। तो अब इसका मेन जो फीचर है, ये स्पीकर की तरह काम करता है, जो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। पहले पावर की जो है, इसे लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं, एक छोटा सा साउंड प्लेबैक के साथ ये आपका जो स्पीकर है ये स्टार्ट हो चुका है। अब ये ब्लूटूथ मोड में अभी तक नहीं गया है, ये कौन से मोड में है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इसमें प्लांट है, मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो ये सेंसर मैं टच कर लेता हूँ। तो देखिए ये सेंसर कुछ इस तरह से काम करेगा, मान लीजिए इसमें एक प्लांट रखा हुआ है, और आप उसके कोई भी एक लीफ को टच करते हैं, या कोई भी किसी भी साइड को टच करते हैं, तो ये सेंसर में रिस्पॉन्ड होगा, और साथ में आपको ऑडियो प्लेबैक मिलेगा जैसे, और साथ में ये बैकग्राउंड का जो लाइट है ये भी जलता है। तो ये मतलब यूनिक सा फीचर है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा है। और ब्लूटूथ से अगर आपको इसे कनेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे,
आपको लॉन्ग प्रेस से इसे पहले पावर ऑन कर लेना, फिर इसको एक बार सिंगल प्रेस करना है। देखिए ये स्पीकर अपने आप बोलेगा ब्लूटूथ मोड और ये ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पेयरिंग के लिए मांग रहा है। तो चलिए मैं अपने फ़ोन से इसे पेयर कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा है इसका पेयरिंग प्रोसेस। मैंने अपने मोबाइल के ऊपर ये ब्लूटूथ ऑन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपका बताया था ये मॉडल नंबर है K3, आपको ब्लूटूथ में भी K3 शो करेगा। इसे आपको करना है पेयर, जस्ट एक बार क्लिक कर लीजिए, पेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और साथ में देखिए ये ब्लू लाइट, देखिए जब कनेक्ट हो जाएगा ये खुद भी बोल देगा कि ये कनेक्टेड हो चुका है और साथ में ये लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। तो अब आपको इसका ऑडियो सैंपल दे देते हैं एक बार। Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. जैसे आपने सुना इसका म्यूजिक जो है बहुत ही लाउड है, और इसका लाउड होने का सबसे बड़ा रीजन है स्पीकर तो इसका सही है ही, और स्पीकर नीचे होने के कारण से साउंड नीचे बाउंस हो रहा है, तो पूरे रूम में मेरा ये साउंड फैल रहा था। रूम एक तरह से बंद है तो साउंड और भी ज़्यादा लग रहा है, बट अगर आप ओपन किसी जगह पर रखते हो फिर भी इसका साउंड बहुत ही लाउड आता है। मैं इसे जनरली 3-4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसे अपने हॉल में रखता हूँ, हॉल में भी इसका साउंड बहुत ही लाउड आता है। मैं 2-4 और सैंपल आप लोगों को दे देता हूँ इसका। इसके वॉइस सैंपल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये माइक कितना मस्त है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही चुका होगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपने देखा जब इसका ऑडियो चलता है तब इसका लाइट भी जलता है और जो बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। बट मान लीजिए कभी आप दिन में चला रहे हो और आप सोच रहे हो कि अभी मुझे लाइट नहीं चाहिए, तो वो भी हो सकता है। इस बटन को आपको एक बार सिंगल प्रेस करना पड़ेगा, मतलब मेरा ऑलरेडी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए एक बार मैं प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जब मैंने प्ले किया तो इस बार लाइट नहीं जला। फिर से आपको लाइट अगर जलाना है तो एक बार फिर से प्रेस कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मतलब ये एकदम इजी फीचर्स है जहाँ से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, और ये पियानो वाला फीचर ये तो और भी खूबसूरत है। मैं इस फीचर को पियानो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका साउंड मुझे कुछ हद तक पियानो लग रहा है, और इसका आप इसे भी चेंज कर सकते हो, मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैसा आएगा। मान लीजिए ये ऐसा था तो देखिए ये फ्रीक्वेंसी देखिए आप चेंज हो रहा है। ये बटन प्रेस करके आप चेक कर सकते हो एक के बाद एक कौन कौन से म्यूजिक है। तो ओवरऑल ये स्पीकर बहुत ही अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। इसका जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे। मैंने लास्ट में एक शाओमी के ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू किया है जिसका प्राइस आपको आता था इंडिया में 1300, और मैंने चाइना से इम्पोर्ट करवाया, मुझे करीबन 820 रुपये के आसपास आया था। बट ये जो इसका प्राइस है ये 900 रुपये में मैंने परचेज किया tomtop.com से। मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हो। बट एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मैंने इसे tomtop.com के फ्लैश सेल से लिया था जहाँ पे मुझे 900 रुपये पड़ा जैसे मैंने आपको बताया। बट अभी आज के डेट पे tomtop.com पे इसका दाम है 1555 रुपये। पता नहीं क्यों इसका दाम इतना इंक्रीज हो चुका है, बट अभी भी आपको इसे अगर लेना है तो मैं इसका gearbest.com का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसे 807 रुपये में परचेज कर सकते हो।
और मैं अब आपको बता देता हूँ कौन सा शिपिंग आपको लेना है। वहाँ पे एक शिपिंग रहेगा इंडियन ई कॉमर्स एक्सप्रेस या इंडियन ई कॉमर्स करके, जो प्रायोरिटी लाइन शिपिंग कैटेगरी के अंदर आता है। उसका शिपिंग कॉस्ट आएगा आपका 57, मतलब 880 रुपये के आसपास आपका पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये इंडियन ई एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस ई कॉमर्स, ये दोनों शिपिंग के एक ही खासियत है, कस्टम ड्यूटी तो कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि ये इंडियन पोस्ट जैसे शिपिंग है, बट इसका फास्ट है, 8 से 10 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाता है। मैंने अपना एयरवेज का जो भी प्रोडक्ट उससे मंगवाया था, मैं उसी को चूज करता हूँ, तो 8 से 10 दिन के अंदर आ जाता है, मैक्सिमम 8, 10 दिन कभी हुआ नहीं। और ये प्रोडक्ट मुझे टॉमटॉप के द्वारा ही, पहले तो सिंगापुर पोस्ट से आया था, फिर इंडियन पोस्ट में इंडिया में आके आया, तो ये करीबन आपको 26 से 27 डे लग गया ये से आने में। और टॉमटॉप से लेने का भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दाम इंक्रीज हो चुका है। आप गियरवे से ले लो, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा आपको, देखिए कौन सा अच्छा लगता है, आप वही ले लो। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप जरूर से इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए, और अगर आप स्पीकर के बारे में कुछ पूछना है आपको, जरूर से मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए, मैं जरूर से आपका आंसर दूंगा। और चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग गैजेट के अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह आप देख पाएंगे सबसे पहले। और साथ में घंटी बेल को दबा लीजिए, तो इसका नोटिफिकेशन, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।